बुधवार सुबह खंडवा में नहीं बटे अखबार, आधे से अधिक खंडवा के नागरिकों को अखबार के लिए इंतजार करना पड़ा। दरअसल जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने से अखबार वितरकों में खौफ का माहौल है। खंडवा में 150 से अधिक हाकर है जो 20,000 से अधिक समाचार पत्रों का प्रतिदिन वितरण करते हैं। हाकरों ने साफ कहा कि कल से अन्य हाकर भी अपने अखबारों के वितरण बंद कर देंगे। गौरतलब है कि खंडवा में कल 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब तक 15 हो चुकी है, जिससे स्थानीय लोगों में घबराहट है, जिससे अखबार वितरक पहले से ही खपा थे और अब जैसे ही मरीजों की संख्या बढ़ी, अखबार वितरकों ने निर्णय लिया कि वे भी जो अपने आप को सुरक्षित करते हुए अखबार नहीं बांटेंगे। अखबारों में भी इस बात का ही डर है कि हम भी उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ पे ये कोरोना के पेशेंट है, वहाँ पे सब लॉकडाउन है, वहाँ पे सब बैरिकेड्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए कई हाकर डर रहे जाने में वहाँ पे, इसलिए कई हाकरों ने आज से पेपर बांटना बंद कर दिया है। शहर में आज कितनी प्रतियाँ नहीं बटी है? आज कम से कम समझ लो कम से कम 5,000 कापियाँ नहीं बटी है कम से कम शहर में। और बाकी हाकर क्या कहते हैं? बाकी हाकर भी आज कुछ ने आना बंद कर दिया, कुछ कल से आना बंद कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आप तक अधिक से अधिक खबरें आप तक पहुंचा सके, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सभी से कि आप अपने YouTube पर जाएं, Google सर्च से YouTube पर जाएं और MP News Network को सर्च करें। MP News Network मिलने के बाद आप उसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जब आप बेल का आइकन दबा देंगे तो जो खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो ऐसे दौर में आप सभी से मेरा निवेदन है कि एमपी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकन दबाएं और इसके अलावा जो लिंक हम आप तक पहुंचा रहे हैं उस लिंक को भी आप अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी तथ्यात्मक खबर पहुंच सके। बस यही मेरा निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहिए। मैं अनंत महेश्वरी, संपादक हूँ एमपी न्यूज नेटवर्क का और उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग मुझे मिलता रहेगा।